द्वाराहाट विकास खंड के कफड़ा दड़मार क्षेत्र में दूध की थैली के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार द्वाराहाट के कफड़ा दड़मार क्षेत्र में सड़क का पेचिंग का कार्य चल रहा था, जिसमें जिला बरेली के मजदूर इस काम को कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार की रात्रि करीब 8 बजे मजदूर अपने टेंट में पहुंचे, जहां पर वो अपने लिए चाय बना रहे थे। और इसी बीच एक मजदूर जिसका नाम धनपाल यादव था, उसने अपनी चाय के गिलास में दूध की थैली से ज्यादा दूध डाल दिया, जिस पर विकास गोस्वामी ने धनपाल से ऐसा नहीं करने को कहा। तो धनपाल ने यह कहकर विकास के साथ बहस करनी शुरू कर दी कि दूध तो ठेकेदार का है, तू कौन होता है कहने वाला। यही बात बहस में बदल गई और हाथापाई होनी शुरू हो गई। वहीं धनपाल ने वहीं पर जल रहे अलाव से जलती लकड़ी उठाकर विकास पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए, जिस कारण विकास वहीं पर गिर गया। ये सब देखकर विकास का भाई अभिषेक बीच बचाव कर विकास को टेंट में ले गया और सुला दिया। इसी बीच मजदूर का ठेकेदार हरपाल भी पहुंच गया और विकास को देखा और चला गया। हरपाल विकास को इलाज के लिए नहीं लेकर गया। वहीं हरपाल का कहना है कि विकास के भाई ने घर ले जाने की बात कही, जो कि जिला बरेली थाना नवाबगंज बहेड़ी है। हम इस बात पर बहेड़ी जो विकास को लेकर चल पड़े, मगर इस बीच विकास की मौत हो चुकी थी। इतना सब होने के बाद बीती देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट में मृतक को लेकर पहुंचा गया, जहां पर पुलिस ने मामले को देखा और आज सुबह पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत भेज दिया। जो भी हो, एक दूध की थैली के चलते एक युवक की जान चली गई और आरोपी धनपाल मौके से फरार हो गया। परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज मिल जाता तो विकास आज जिंदा होता। 28 तारीख की घटना है, तो 28 तारीख की घटना, आज 30 तारीख हो गई, आज ये बीती रात, कल देर रात यहाँ पर पहुँचे, लेकिन इतनी देर कैसे? जो ठेकेदार ने हमें बताई नहीं थी किसी को। ठेकेदार मतलब कौन सा ठेकेदार? हरपाल जी। हरपाल वो क्या तुम्हारा गैंग सरदार है? हाँ, गैंग मेट जो, हाँ, जो हमसे काम करवा रहे थे। अच्छा, हाँ, तो हुआ क्यों ये घपला? ऐसा क्या हुआ कि इसको जान इसकी गवानी पड़ी? ऐसा हुआ कि मतलब दूध की थैली थी, वो एक आधी थैली पड़ गई थी चाय में, ठीक है, उनको चाय लगी काली, धनपाल को जिसने मारा था, उनने आधी थैली और डाल ली। हरपाल जी ने हमसे आगे पूछा कि आधी थैली कहाँ गई, हम लोगों ने बता दिया कि धनपाल ने आधी डाल ली है, और वो पिया हुआ था दारू, उसने दारू पी के उसको इतनी आवाज़ सुनी होगी, लेटा हुआ था बिस्तर में, उसने बाकी हम सब लोगों को गाली, बहन माँ की सबकी, और हमने चुप्पा सुनते रहते, हमने कि भैया शांत बैठ जाओ, गाली मत बोको हमें, इतनी बात में पलंग से उठ गया, तंबुओं से पीछे मुड़ के उसने गर्म चैली निकाल ली थी जिससे ताप रहे थे ये 5-6 लोग, और आके मेरा भाई बाहर निकल रहा था, खाना खा रहा था ना बाहर जो गेट पे ही तंबू के, उसने तुरंत ही एक गर्दन पे मारा तो कोहरा अटक गया उसके यहाँ पे, तो एक मारा जो यहाँ पे मुंगड़ पे, ठीक है, तो एक पड़ी जी आँख पे, आँख नीली पड़ गई, वो माथे पड़ी थी एक, तो मैं बचाने भागा, मेरे देखो यहाँ पे पड़ी है जी, और जो यहाँ पे घूम के पड़ी है जी, यहाँ पे आके फिसल गई ना यहाँ से, यहाँ पड़ी, तभी उसने भागा, तभी जे गए थे उसको पकड़ के ले गए थे पलंग, इनके भी हाथ पे पड़ी है। तो उसी वक्त वो डेथ हो गई थी या फिर उन्होंने तुम उसको हॉस्पिटल ले गए? ना उतने टाइम तो उनके थोड़ी जान थी, तो जो कोई भी लेके गया था नहीं, इनने हमें घर भी नहीं बताने दी थी। किसने? इनने जी, हरपाल जी ने। अच्छा। और हमारे साथ वाले जो पलंग के, उनके साथ के 6 लोग, उन लोगों ने घर पे मत बताना है।